अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इनफैक्ट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो ये क्वेश्चन मुझे हर वीडियो के कमेंट्स में आता था, हर जगह पे, हर पोर्टल पे पूछा जाता था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। लेकिन मैं उस टाइम बड़ी हेजिटेंट थी, तो क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। और कैप्शन से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे चीज़ों को कवर करूँ, और इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, क्योंकि मैं इसके बारे में, ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन थी। तो जब मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि मैं सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ये ऐसा टॉपिक है जो हर बंदा जानना चाहता है, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स में आता था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने आज अपने लैपटॉप के ऊपर हर चीज़ जो है वो लिख ली है, ताकि मैं कोई पॉइंट जो है वो भूल ना सकूं। तो इसकी वजह से अब मैं आपको बताती हूं कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड फटाफट से हम अपना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दूंगी। मेरा नाम जो है मारिया आसिफ है, मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहती हूँ हस्बैंड के साथ, और मेरे दो बच्चे हैं यहाँ पे। मेरे बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग है। जो लोग मेरे व्लॉग डेली रूटीन के देखते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। बाकी अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगी कि जो है मैं यूएई में इससे पहले रहती थी, तो हमारा जो जर्नी है वो यूएई से स्टार्ट हुआ था। तो यूएई में के बारे में बताती हूँ कि हमने पीआर के जो वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया था। अच्छा, अब जो प्रोसेस है ना उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो प्रोसेस, हम लोगों ने जो पीआर का प्रोसेस किया था वो 7 साल पहले किया था, और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पीआर लेकर ऑस्ट्रेलिया आए थे, सिडनी आए थे। तो जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था वो तकरीबन 7 साल पुराना है। मोर और लेस ये प्रोसेस सेम ही है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आती। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरे हस्बैंड ने खुद किया था। हमने किसी भी एजेंट, माइग्रेशन कंसल्टेंट या माइग्रेंट कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट नहीं किया था। इसके लिए बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो प्रोसेस है ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप ये खुद कर सकते हैं। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और अपना ये प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। और ये, अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। इसीलिए हमने भी किसी माइग्रेंट कंसल्टेंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। ये प्रोसेस हमने खुद किया था, मेरे हस्बैंड ने ये प्रोसेस खुद किया था। उसके अलावा जो है, और आपको जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो सारी की सारी आपको उनकी एक वेबसाइट पर मिल जाती है, जिसके बारे में जो अवेलेबल है, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए पीआर के लिए आप एलिजिबल हो सकें, ताकि जितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसके ऊपर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। प्रोसेस बहुत ही इजी है, आपको बस पढ़ना है, रिसर्च करनी है, और आप भी पीआर फॉलो कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टार्ट होता है 22 जुलाई 2016 से। सबसे पहले मैंने अपनी स्किल असेसमेंट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम SOL लिस्ट। सबसे पहले आपने अपनी स्किल असेसमेंट सेलेक्ट करनी है SOL लिस्ट से। ठीक है, SOL लिस्ट वो लिस्ट है जिससे आपको पता लग जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस ऑक्यूपेशन की डिमांड है और पीआर वीज़ा किस किस ऑक्यूपेशन में लग सकता है। ये जो लिस्ट है ना SOL लिस्ट, ये हर साल कम्प्लीटली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर लेट सपोज उनको कितने डॉक्टर्स की डिमांड है, कितने इंजीनियर्स की डिमांड है, कितने IT प्रोफेशनल्स की डिमांड है, कितने किस तरह, मतलब इस तरह से ये SOL लिस्ट जो है वो हर साल चेंज की जाती है। तो सबसे पहले तो आप प्रोसेस जो है वो ये इसी से स्टार्ट होता है। तो हमने PR अप्लाई की थी IT के ऑक्यूपेशन में, मेरे हस्बैंड IT के प्रोफेशनल हैं, तो IT के ऑक्यूपेशन में हमने PR अप्लाई की थी। तो सबसे पहले हमने स्किल असेसमेंट करवाई थी जिस IT ऑक्यूपेशन में मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस था उसके अंदर। तो उसके अंदर भी आपको देखना होता है कि किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आपकी स्किल असेसमेंट होती है। ठीक है, स्किल असेसमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक बॉडी है, जो कि एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करती है।
तो और सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के बाद आपको बता देती है कि आपका कौन सा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के रेलिवेंट है या नहीं है। मिनिमम आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आप ये असेसमेंट करवा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस पुट कर सकते हैं, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आपका मैच हो जाता है तो वो आपको इसका जवाब देते हैं कि आपका स्किल असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। स्किल असेसमेंट कराने के लिए ज़रूरी है कि आप जितने पास्ट एम्प्लॉयर्स उनसे अपना एक्सपीरियंस लेटर ले लें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी जगह पे आपने जॉब की है, रेलेवेंट जॉब, उसी एक्सपीरियंस की जॉब, वो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर ले लें। और मेक श्योर कि उसमें दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट यू हैव वर्क फॉर 40 आवर्स एवरी वीक फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड, जब आपने रिजाइन किया था, यानी कि आपने हर वीक में 40 आवर्स वहां पे काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन चीजों को जरूर देखा जाता है। ड्यूरिंग द रोल आपकी जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेक श्योर वो उस लेटर पे मेंशन हो। आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जो भी आप रोल कर रहे हैं, उसकी जितनी भी रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे असेसमेंट बॉडी जो है वो चेक करती है कि आपका एक्सपीरियंस किस जिस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक है या नहीं है। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये दो पॉइंट्स हैं, आपका 40 आवर्स पर वीक, सेकेंड जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपका जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, और ताकि असेसमेंट बॉडी उसको असेस कर सके। फिर उसके बाद कंपनी का फुल नेम, रजिस्टर्ड नेम विद अथॉरिटीज, उसका कंप्लीट नेम विद अथॉरिटीज एंड टेलीफोन नंबर मेंशन किया हुआ हो, क्योंकि पीआर की असेसमेंट बॉडी या इमिग्रेशन ऑफिसर कभी भी आपके एम्प्लॉयर को कॉल कर सकता है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर जो भी आप मेंशन करेंगे उसको किसी भी वक्त जो है कंपनी असेसमेंट बॉडी जो है वो चेक करने के लिए कॉल कर सकती है, कोई भी क्वेश्चन कर सकती है, जिसके लिए आप जो है उसका फुल नेम, उसकी रजिस्ट्रेशन जिसके साथ है वो, और अपने एम्प्लॉयर का जो है वो फोन नंबर, यानी कि ऑफिस कभी भी एम्प्लॉयर कॉल कर सकता है, तो इंक्वायरीज अगर कुछ भी फेक हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो असेसमेंट है, और असेसमेंट के लिए यही तीन चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपने उस रोल में कितना, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो ओरिजिनल है या फेक है, और आपके एम्प्लॉयर से उसको चेक किया जाता है, उसके बाद आपकी असेसमेंट का रिजल्ट आता है। हमने ये प्रोसेस 2016 में किया था, तो हमारा तकरीबन 1 वीक लगा था। अभी शायद टाइम ज़्यादा लग जाए, लगता होगा, मैं कंफर्म नहीं बता सकती इस चीज़ का, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द कितनी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी असेसमेंट बॉडी का पता कैसे लगेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट से मिल जाती है कि आपके स्किल के आगे असेसमेंट बॉडी का नाम लिखा होता है। आप अपना पहले असेसमेंट बॉडी, मतलब आप सिलेक्ट करेंगे, अपना स्किल सिलेक्ट करेंगे कि लेट सपोज मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और मेरा ये स्किल है, मैं ये करता हूँ, तो फिर वो आपको जो है आगे लिखा होगा कि आपको असेसमेंट किस बॉडी से करवानी है। हर एक का डिफरेंट नेम होगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वहां से अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको अभी असेसमेंट का प्रोसेस तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। जो लोग यूएई से मुझे फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज से फॉलो कर रहे हैं, और वो वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर चाहते हैं, तो उनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और मैं जनरली, मतलब बहुत लोग मुझे इस चीज़ पे इतने कमेंट्स आते थे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, आप बताएं इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं तो इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपका जो है ना असेसमेंट बॉडी जो है, उसके बारे में भी मैंने आपको सारा कुछ अभी डिटेल से बता दिया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी असेसमेंट बॉडी से आपको अपनी जो है वो करवानी है। तो वो आपको जब आप अपना स्किल सिलेक्ट करेंगे उसी के आगे लिखा हुआ होगा, आप उससे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईटी के प्रोफेशन के लिए असेसमेंट बॉडी जो है उसका नेम है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंस है। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया मतलब होगी, वो असेसमेंट करेगी। और
हर असेसमेंट बॉडी की वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फीस सबमिट करते हैं। ये प्रोसेस है स्किल असेसमेंट का, ये सारा प्रोसेस है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले वहां पे अपना स्किल सिलेक्ट करना है। स्किल के आगे असेसमेंट बॉडी का नेम लिखा होगा कि आप किस चीज की असेसमेंट करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी आईटी के लिए है और इंजीनियर्स के लिए है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। तो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं सारे, अपनी फीस सबमिट करते हैं, अपने सर्टिफिकेट, जो भी कुछ है आपके डॉक्यूमेंट्स उससे रेलिवेंट, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनके ऊपर क्या क्या मेंशन होना चाहिए, या पहले से करवा लें और उसको वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी भी माइग्रेशन एजेंट या किसी भी माइग्रेंट कंसल्टेंट की इस सारे प्रोसेस में जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता हो कि आपकी जो लेटर्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे बने होने चाहिए, तो आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है और आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं पॉइंट्स की तरफ, क्योंकि ये तो हो गई असेसमेंट। फिर उसके बाद जब आपकी स्किल असेसमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि आपके कितने साल का एक्सपीरियंस अप्रूव हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो अपने मुताबिक आपका जो है एक्सपीरियंस जो है अप्रूव करेंगे कि आपको वो कितने साल का एक्सपीरियंस जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप उनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस शो कराते हैं तो मे बी आपका वो 4-5 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के उसमें नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो आपका फर्दर आगे जो एक्सपीरियंस होगा उसको मान लेंगे, लेकिन वो जो पहले का एक्सपीरियंस है उसको शायद वो कंसिडर ना करें। मे बी कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपकी असेसमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको पता लग जाता है कितने इयर्स का आपका एक्सपीरियंस जो है अप्रूव हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट्स कैलकुलेशन बहुत आसान है, बिल्कुल इजीली आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है और आपको कितने पॉइंट्स करने हैं टू बी एलिजिबल फॉर पीआर। जब आपकी असेसमेंट होती है, पहला प्रोसेस ही है कि जब आपकी असेसमेंट होती है वो आपको बता देती है कि आपको आगे कितने पॉइंट्स चाहिए ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है असेसमेंट का, जो सबको बड़ा मुश्किल लगता है, और यही मेन प्रोसेस है कि सबसे पहले असेसमेंट, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स पूरे करने हैं। तो उन पॉइंट्स के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमने पीटी किया था, पीटीए के लिए 7 बैंड ईच चाहिए था। हमारे पॉइंट्स हमें जो पता चले थे कि इतने पॉइंट्स कम हैं, तो उसके लिए हमें जो है ना सिर्फ 7 बैंड ईच चाहिए था। तो आपको पीटी के बारे में, आइट्स या पीटीई सिमिलर है, पर पीटीई मोर ईजियर है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि पीटीई करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो आप पीटीई कर रहे हैं, क्योंकि आइट्स जो है वो रादर थोड़ा सा टफ है, लेकिन पीटीई ज़्यादा आसान है। तो आप वो कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। कुछ लोगों को 6.5 चाहिए होते हैं, उनकी एज के पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो है वो 32 क्रॉस करते हैं या 31, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना काउंट हुआ है, उसके मुताबिक आपको आइट्स में या पीटीई में पॉइंट्स लेने होते हैं। मेरे हस्बैंड का तब ऑलमोस्ट 9 ईयर का एक्सपीरियंस था आईटी में, और ही वाज अबाउट टू कंप्लीट 10 ईयर्स। तो फर्स्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो था वो काउंट नहीं हुआ था। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो था वो 9 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन 10th ईयर जो है वो कम्प्लीट नहीं हुआ था। तो हमने जब ये पीआर अप्लाई की थी, तो हमारा फर्स्ट 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपका लर्निंग प्रोसेस ही काउंट किया जाता है। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, 3 ईयर्स का भी कट करते हैं, 2 ईयर्स का भी कट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आपका लर्निंग प्रोसेस का ही काउंट किया जाता है। ये हमारे साथ हुआ था, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है कि बाकी लोगों को काउंट किया हो, लेकिन जब हमने पीआर के लिए अप्लाई किया था तो हमारा 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट हुआ था, यानी कि अबाउट टू कंप्लीट 10 था, बट उन्होंने 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसको काउंट किया था। ठीक है, तो आफ्टर 1 वीक जो था असेसमेंट कंप्लीट होके आ गया था, हमें पता लग गया था कि पीटीई के लिए हमें कितने बैंड चाहिए। तो हमारे पास टाइम था, हमने 7 बैंड ईच हमें चाहिए था,
उसमें हमें ऑलमोस्ट 1 month का टाइम जो था लग गया था फॉर प्रेपरेशन एग्जाम, क्योंकि 7 each आना इज नॉट ईजी. उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी. उसके लिए थोड़ी मेहनत करके पीटी का एग्जाम दिया मेरे हस्बैंड ने. उसके लिए प्रॉपर प्रेपरेशंस की, एग्जाम तैयार किया. पीटी का रिजल्ट जो था वो 3 दिन में आ गया था. और लकीली जो मेरे हस्बैंड का जो एग्जाम था वो क्लियर हो गया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 each आ गया था मेरे हस्बैंड का ईच मॉड्यूल. तो जो है हमें चाहिए था 7 men in each equivalent to 65 points each in PT. ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो गया था, विच वॉज अ वेरी गुड साइन और गुड लक भी थी. अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो गया था. लेकिन उसके लिए मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डिटर्मिंड थे, उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी और वाकई उनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है. अब सिचुएशन क्लियर हो चुकी थी कि हमारे टोटल पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स होते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट की एज के, अगर आपकी एज 32 से कम है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, 32 से ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपकी एज 32 से कम है तो आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे. इट इज़ द बेस्ट एज टू अप्लाई, फिर आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको पीटीई में भी कम स्कोर करना पड़ेगा. आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलते हैं. उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स होते हैं. आपकी एज अगर 16 की क्वालिफिकेशन है या 18 इयर्स की क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिलते हैं. तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ. आपको एज के पॉइंट्स मिलते हैं, आपको डिग्री असेसमेंट के पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी जितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के पॉइंट, एज के पॉइंट और उसके बाद क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स. तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं और आइट्स के भी. तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. असेसमेंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स आप खुद ऐड ऑन कर सकते हैं कि मेरी एज इतनी है तो मुझे इतने पॉइंट मिल सकते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट्स जितनी भी हैं उनके ऊपर इजीली अवेलेबल है. आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं मेरी ये एज है, मुझे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए तो हमने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा दिया था. ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, किसी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, सब कुछ आपने घर में खुद करना है. किसी एम्बेसी नहीं जाना, कहीं पासपोर्ट नहीं जमा कराना, कुछ भी नहीं. सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने पॉइंट्स मुझे असेसमेंट बॉडी दे रही है, इतनी मेरी एज है, मुझे अब कितने पॉइंट्स पीटीई में लेने हैं जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊंगा पीआर के लिए. जब ये सारा कुछ हो चुका था तो हमने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था. उसके बाद तो अगस्त में हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाया. सबमिट करवाने के बाद सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे ऑनलाइन. एक ही फॉर्म होता है जो फिल किया जाता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने हम लोगों ने अटैच कर दिए थे. तो आफ्टर 2.5 months के बाद हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो अप्रूव हो गया था और हमें फाइनली ईमेल रिसीव हो गई थी कि यू आर एलिजिबल फॉर PR वीज़ा और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं फॉर वीज़ा. तो 2.5 months हम लोगों ने इस चीज़ का वेट किया और 2.5 months के बाद हमारे पास ईमेल आ गई कि आप जो है एलिजिबल है वीज़ा के लिए, आपके पॉइंट्स पूरे थे, पूल में हम आ रहे थे पूरे. तो उन्होंने जो है हमें ईमेल भेज दी थी कि आप हमें अपना वीज़ा सबमिट करवा सकते हैं और ये अप्रूवल आ चुकी थी. अगेन ये एप्लीकेशन भी सिर्फ ऑनलाइन है, सारा प्रोसेस बहुत इजी, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और फीस सबमिट करवानी होती है, दैट्स इट. तो ऑलमोस्ट दिसंबर तक स्टार्ट में हमने अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी. आफ्टर 2 to 3 weeks हमारी एप्लीकेशन का केस ऑफिसर असाइन हुआ था एंड आफ्टर 3 months हमारे वीज़े आ गए थे. March 23, 2017 को हमारा वीज़ा आ गया था. तो March 23, 2016 UAE टाइम के मुताबिक सुबह 6:20 पे हमारे साथ वीज़ाज ईमेल पे हमें रिसीव हो गए थे. ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज आपके पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होते, जस्ट एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है और September 2017 हम ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए थे. नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लानी होती हैं और
अगेन मैं आपको मैं कोई माइग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया था मैंने हूबहू वो सारा प्रोसेस जो है वो आपको बताया है, और मैं ये प्रोसेस जो है बहुत जो है वो टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे इतने ज़्यादा हर जगह कि आप बताएं आप कैसे ऑस्ट्रेलिया गई। मैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पीआर पे आई थी, मेरे हस्बैंड ने पीआर अप्लाई की थी, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए हो, जानना हो कुछ, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स जो थी वो अपने हस्बैंड से ली थी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, हम लोगों ने प्रोसेस कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम लगा था, तो ये सारी डिटेल्स आप मैंने बिल्कुल रॉ जैसे मैं उन्होंने मुझे सब कुछ डॉक्यूमेंटेड, मैंने सब कुछ लिखा है पहले, सब कुछ मैंने टाइप किया है, और ये मैं इसके ऊपर हर चीज़ जो है मैंने कंपाइल की, उसके बाद मैंने आके इसकी वीडियो बनाई ताकि मैं सब कुछ डिटेल से बता सकूं कि फर्स्ट प्रोसेस हमने असेसमेंट कराई, फिर उसके बाद पीटीई क्यों किया जाता है, कितने पॉइंट्स के लिए, आपको कैसे पता चलेगा आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, तो ये सारे प्रोसेस से हम गुजरे हैं, और जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था वो मैंने सारा आपको बताया है, और मोर और लेस ये प्रोसेस चेंज नहीं होता। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वन ऑफ द टफेस्ट इमिग्रेशन है, मैं ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन बहुत मुश्किल इमिग्रेशन है, कनाडा की इमिग्रेशन प्रोसेस इससे बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत स्मूथ और इजी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इट्स अ मिथ कि इसके लिए माइग्रेशन एजेंट की ज़रूरत है, और ये वो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हम लोगों ने भी ट्राई किया था, हम लोग एक यूएई में सेटल्ड थे अच्छी अच्छे तरीके से, मैं यूएई में आती जाती थी, मेरा बेटा अब्दुल समद जो है वो यूएई में पैदा हुआ है, तो लेकिन हम लोगों ने चूज़ किया कि हम ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पीआर अप्लाई करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन्स हैं, और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए हो, अगर मेरे से रिलेटेड आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी सवालों के जवाब दे दूंगी, बल्कि अपने हस्बैंड से भी पूछ के आपको बता दूंगी, और आई होप आपका मेरा आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि आपकी किसी भी तरह की अगर आपको क्वेश्चन चाहिए था तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे सवालों के जवाब जो हैं वो क्लियर कर दूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज और बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई और चीज़ें ऐड अप होनी चाहिए या बताना चाहिए या ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।